छिपा कर रखी है, एक छोटी सी चिंगारी से, एक छोटी सी चिंगारी से आग लगा कर जाएंगे, एक छोटी सी चिंगारी से आग लगा कर जाएंगे, आग लगा कर जाएंगे, आग लगा कर जाएंगे, आग लगा कर जाएंगे। भाई क्या हो गया है तुम्हें? देखो देखो इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम्हें पता है इसे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, इसे तो मानसिक तनाव हुआ है। नितिन बेटा नितिन कहाँ हो, खाना खा लो। नितिन बेटा खाना खा लो। अरे थोड़ा खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है। अरे क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। रहने दो ना, अगर नहीं खाना चाहता फिर। अरे आप उसे क्यों डांट रहे हैं, वो पहले से ही परेशान है। परेशान परेशान तो इसने हमें कर रखा है, एक ये नालायक है, एक वो शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा। पैसे चाहिए? क्यों चाहिए? बोला ना चाहिए तो चाहिए। कितने चाहिए? 5,000। क्या करोगे? बोला ना चाहिए तो चाहिए, जाने दो तो, नहीं तो रहने दो। मुझे पता है तुम नशा करोगे, देखो क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अब तो ये भी छोड़ के चली गई, अब तो मैं और अकेला हो गया। अब मैं क्या करूँगा, परेशान हूँ। अच्छा चलो हमारे साथ, तुम्हारी परेशानी का इलाज है हमारे पास। एक छोटी सी परेशानी थी, एक छोटी सी परेशानी थी, धुएं में उड़ानी थी, धुएं में उड़ानी थी, एक छोटी सी परेशानी थी, एक छोटी सी परेशानी थी, धुएं में उड़ानी थी, धुएं में उड़ानी थी। हम अपना ध्यान रखेंगे खुद का, नियमित भोजन करेंगे और प्रॉपर नींद लेंगे। कोई भी हमें परेशानियां आती हैं तो हमें अपने अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। एक बच्चा जिसका नाम नितिन था, वह परीक्षा में उत्तीर्ण न आने की वजह से या किसी अन्य बीमारी अन्य परेशानी की वजह से क्या था, परेशान था, एंजाइटी थी उसको, डिप्रेशन था। परंतु क्या हुआ, आपने देखा कि उसके पिता ने उसे सहयोग नहीं दिया, उन्होंने अपने बच्चे की तुलना किसी अदर बच्चे से की। हमें ऐसा नहीं करना है, हम अपने बच्चों की तुलना किसी और से करते हैं तो उनका मनोबल गिरता है और वो अकेला फील करते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारे हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ नहीं है। फिर क्या आपने देखा कि जब उनके पेरेंट्स ही उनके साथ नहीं है तो बच्चा बुरी संगत में पड़ा, क्योंकि वो अकेला हो गया था। अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ होते, उसे नहीं
सहयोग करते तो वह बुरी संगत में कभी नहीं पड़ता। बुरी संगत में देखा कि कैसे उसे स्मोकिंग, शराब, जुआ इसके आदि बना दिया। फिर आपने देखा कि कैसे उसके रिश्तों में भी दरार आने लगी, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे व्यक्तियों से ज्यादा बात करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें और उनका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसे व्यक्ति दिखते हैं तो कृपया करके उनसे जरूर बात करें, ऐसे व्यक्तियों को अकेला ना छोड़ें। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य आप लोगों को मानसिक रोगों के प्रति जागरूक करना था। हम और हमारे साथियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, बचाव क्या होते हैं। हम और हमारे साथियों की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।